सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। धनु राशि सैजिटेरियस साइन के लिए, आपके मेडिटेशन के दौरान मेरे ख्याल से आप एक इकलौता एक ऐसा साइन है जिसमें मुझे इतने सारी चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो मुझे एमेथिस्ट बहुत नज़र आ रहा था आपकी मेडिटेशन के दौरान। एमेथिस्ट हमें बताता है थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, जब हम स्पिरिट के साथ काम करके चैनल करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो एमेथिस्ट की ऊर्जा भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को इसे शायद खरीदने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए जिसे आप डेस्टिनी के बारे में बहुत, एक्सक्यूज मी, आप अपनी डेस्टिनी के बारे में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अब मुझे जानना है कि मेरी डेस्टिनी क्या है और ये कैसे काम करेगी, मुझे क्या करना है, तो डेस्टिनी को लेकर बहुत फोकस में रह सकता है आपका हफ्ता। नए नए ऑप्शंस को, करियर में खास करके नए नए ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, मुझे सेटिस्फैक्शन किससे मिलती है, तो ये डेस्टिनी शब्द भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। तीसरी चीज़, लोटस फ्लावर, कमल का फूल, माने पूछिए मत, इतना नज़र आया है मुझे कमल का फूल। और कमल के फूल से मुझे गौतम बुद्धा की ऊर्जा, एनलाइटनमेंट की ऊर्जा, अगर आप कीचड़ में हो लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता नहीं खोना, उसके बारे में, सबसे महंगा फूल भी होता है तो बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा। सेजिटेरियस, बहुत कुछ है इस हफ्ते में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए। मल्टीपल मैसेजेस, यू नो, मेडिटेशन के दौरान। वन मोर टाइम प्लीज, सेजिटेरियस, धनु राशि एंड शून्य। वो एट ऑफ वांड्स, मल्टीपल मैसेजेस के बारे में ही होता है ये कार्ड, और अपने आप निकला है ये। माय गॉड, द हैंग्ड मैन, और यहां पर हैंग्ड मैन इस डेक में बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी। सबसे पहले एट ऑफ वांड्स, फास्ट एनर्जी, जब चीजें रफ्तार के साथ आपकी तरफ आती हैं, यहां पर कोई इस रफ्तार को रोक नहीं सकता, ये किसी से भी रुकने वाली नहीं है। कोई पेड़ भी सामने आए तो उसको भी चीर कर आगे निकल जाए, तो इस पर, इस इंफॉर्मेशन पर किसी का जोर नहीं। ये बहुत रफ्तार के साथ टेक्स्ट मैसेज, कॉल, कोई अवेकनिंग, कोई रहस्यमय चीज़ आपके सामने, कोई राज आपके सामने, कोई मैनिपुलेशन में थे अगर आप किसी के साथ अगर डील कर रहे थे, उसका सच सामने आना, कुछ भी, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे से कुछ अप्लाई किया है अगर आपने, कोई पेपर वर्क है आपका तो वो उसके वो था आपको कि इसका तो 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, वो इसी हफ्ते भी आ सकता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है इसकी, एट ऑफ वॉन्स की, और ये जिस रफ्तार से निकला है, अपने आप शफल होगा, ये भी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी के बारे में ही संकेत देता है। यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। हैंग्ड मैन ट्रेडिशनल टैरो में स्टक एनर्जी है, जिसमें आपको बांधा हुआ है एक पेड़ से, आप चाहकर भी उस रस्सी को खोल नहीं सकते क्योंकि आप उल्टे लटके हुए हैं। लेकिन अगर आप इस डेक में देखें, ये लड़की अटकी नहीं हुई किसी चीज़ में, ये अभ्यास कर रही है, ये प्रैक्टिस कर रही है अपनी डांस की, अपने शरीर में लचक लाने की कोशिश कर रही है, तो ये स्टक नहीं है, पहली बात, ये अभ्यास में है, ये प्रैक्टिस में कर रही है, राइट। और इसके सर के आसपास रोशनी, जो कि अवेकनिंग के बारे में मैंने कहा, ये मुझे नज़र आया था, जो कि थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा के बारे में संकेत देता है। ये क्रिस्टल्स में सबसे पावरफुल स्टोन होता है ये, बाय द वे, जो लोग साइकिक हैं, स्पिरिट के साथ काम करते हैं, उनके लिए ये स्टोन, ये क्रिस्टल सबसे बेहतरीन, यू नो। तो सी, यहाँ पर अवेकनिंग है। मुझे नहीं पता आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप अपने चक्रास को मैंने ओपन करके क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो होने वाला है इस हफ्ते, ये उसके बारे में जानकारी है। अगेन, ये लचक, ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, स्टक एनर्जी नहीं है। तो सेजिटेरियस, यहाँ नॉर्थ नोड कुछ लोगों का सिग्निफिकेंट रहेगा। आपका जो नॉर्थ नोड है, वो साइन की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। डेस्टिनी के बारे में भी होता है बाय द वे नॉर्थ नोड, तो डेस्टिनी, लाइफ पर्पस, मुझे करना क्या है अपने आप, अपने जीवन के साथ, जन्म हुआ क्यों है मेरा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना इस हफ्ते, वो फोकस में रहेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर चक्रास, जितने कह लीजिए आपके चक्रा, कोई रूट चक्रा पर काम कर रहा है, कोई सेक्रल, कोई हार्ट पर, क्राउन चक्रा, जो भी है, इससे मुक्ति है इस हफ्ते।
और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, ये आहा मोमेंट होता है ना, स्पिरिचुअलिटी में हम अक्सर बात करते हैं आहा मोमेंट, जो कि हम देख नहीं पाते कि ये कब आना है, वो बस आता है, अब ऐसे आता है। तो कभी कभी हम कोई फिल्म में कोई डायलॉग सुन लेते हैं, किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड जिसको भी आप देखते हैं, उसमें कोई डायलॉग वो अवेकनिंग लेकर आ सकता है, कोई किताब उसमें कोई ऐसी लाइन अगर आप पढ़ लें तो उससे भी आहा मोमेंट हो सकता है, कोई लेक्चर अटेंड कर सकते हैं उसमें कोई आहा। तो इसमें तैयारी रही है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। कोई ऐसा शख्स जिससे आपको उम्मीद भी ना हो, उसका कोई सच सामने आ सकता है, ये उसके बारे में भी, उससे भी आपको जैसे वो रफ्तार के साथ अब आपको पता है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है, क्लैरिटी है यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स दर्द के बारे में, ये जो कॉर्ड्स जिससे वो बंधी हुई है इस टूटे हुए दिल से, वो इस कॉर्ड्स को काट रही है, ये रफ्तार मैंने कहा ना, ये इसके सामने जो भी चीज़ आएगी उसे चीर कर ये आगे निकल जाएगी ऊर्जा, तो यहाँ पर ये चीर कर इससे आगे बढ़ रही है, ये मखमली सी डोरियाँ इसके आगे क्या टिकेंगी, इन वॉन्स में अग्नि है, आग है, ये जिसको भी छुएं उसे भस्म कर दें, तो ये डोरियाँ जो हैं, जो दर्द की डोरियाँ जिससे आप बंधे हुए हैं, ये भस्म होने वाली हैं और आपको मुक्ति मिलने वाली है, आप यहां से वॉक अवे करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग और बहुत इंटेंस मैसेजेस। अभी तक मुझे लग रहा था पाइसीस की, जो मैंने एक रीडिंग की, पाइसीस की बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है, और मुझे लग रहा था कि पाइसीस ने इस हफ्ते में बाजी मार ली कि सबसे आगे वही खड़े हैं, लेकिन मैं गलत थी, पाइसीस अब दूसरे नंबर पर, सबसे आगे मेरे ख्याल से सैजिटेरियस की ऊर्जा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वैसी ऊर्जा। चलिए देखते हैं, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। टेन ऑफ वॉन्स, एट ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स भार के बारे में, राम जी की जय हो, घर पहुंच गए, आहा मैंने क्या कहा आपसे, आहा मोमेंट, और यहां पर आहा का ही कार्ड निकला, देखिए स्पिरिट कैसे काम करती है, आप घर लौट चलें, अब ना वो जागने का समय है, ये नॉर्थ नोड की ऊर्जा है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कहूँगी, चाहे मून साइन की वीडियो मत देखिए, अपने राइजिंग की मत देखिए, जोरिया की मत देखिए, लेकिन इस हफ्ते आपका जो भी नॉर्थ नोड है उसकी वीडियो ज़रूर देखना, उसमें कोई ना कोई जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। नॉर्थ नोड को कैलकुलेट कैसे करना है वो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। सेवन ऑफ सोल्स, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन, सच क्या है, मैंने कहा ना किसी का सच सामने आ सकता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे वो सच सामने आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर अवेकनिंग है, मैसेजेस किस तरीके से बैठ रहे हैं मैं हैरान हूँ। ये डेक पर मैं बहुत समय से काम कर रही थी और मैं बहुत खुश हूँ इसका जो रिजल्ट निकला है, जिस तरीके से ये मैसेजेस चैनल किए हुए बैठते हैं कार्ड्स के साथ, बहुत उत्तम, बहुत उम्दा। एट ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पर सब्र नहीं है और यहाँ पर सब्र, एट ऑफ पेंटिकल में बहुत सब्र होता है, चुपचाप अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो और अपना फल लेते रहो, ये रिवॉर्ड्स का कार्ड है, कमिटमेंट का भी कार्ड है, मन टिकना, एक तो होता है मन टिक नहीं रहा, मन भटकन में है, जो कि है यहाँ पर, दर्द है, चीखना चिल्लाना है, लेकिन यहाँ पर सब्र, यहाँ पर मन टिक रहा है किसी का, चल क्या रहा है सेजिटेरियस, माई गॉड क्या कर रहे हो कलेक्टिव में, सेजिटेरियस की ऊर्जा नेक्स्ट लेवल। सात आठ नौ मिसिंग है यहाँ पर, फिर है दस, तो नौ कर्मों के बारे में, नाइन नंबर जो होता है वो कर्मों के बारे में, कर्मा का कार्ड होता है, तो यहाँ पर कोई कर्मों से आगे निकल रहा है, यहाँ पर सब कुछ है लेकिन नाइन नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर कर्मों से आगे कर्म कट रहे हैं किसी के, अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी थे, कार्मिक सिचुएशन में थे, कोई बॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ भी, जो भी, जिसके लिए भी देख रहे हो, वहां से अब आगे निकल रहे हो, वहां से अब आगे बढ़ रहे हो। मैंने जैसे ही ये बोला 911, ये एंजल नंबर मेरा तो पीछा नहीं छोड़ता, आप में से भी कुछ लोगों के लिए 911 सिग्निफिकेंट हो सकता है एंजल नंबर, ये एंजल नंबर हमें बात करता है कि जो आप चाहते हैं वही चीज आपको भी चाहती है, ये संकेत देते हैं बार बार एंजल्स कि आप धैर्य मत छोड़िए, मुझे पता नहीं पिछले एक साल से ये नंबर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आप में से भी 911 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर। चलिए देखते हैं आपके चांस, फोकस में तांडव, देखो कितने सारे
हीलिंग, मैसेज इन अ बॉटल, हीलिंग जो हमें चाहिए, दिल टूटा हुआ था वो थ्री ऑफ सोर्स, उसकी हीलिंग, यहाँ पर इंट्यूशन, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सेक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, कुछ भी कह लीजिए, चक्रास 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 वो क्लियर हो रहे हैं। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी, ये मेरे चार्म बॉक्स में सबसे बड़ी बटरफ्लाई यही है, इसका आकार मेरा मतलब कि, तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्ती बन रही है, नए रिश्ते बन रहे हैं, नई दोस्ती, ये ब्रेसलेट उसकी निशानी है, देख रहे हैं ये ब्रेसलेट जुड़ा हुआ है, एक टूटा हुआ ब्रेसलेट भी है मेरे चार्म बॉक्स में लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारे सितारे हैं अगर देखें, और तारा द स्टार कार्ड टैरो में हीलिंग के बारे में, एक्वेरियस की ऊर्जा होती है, हीलिंग के बारे में, आशा के बारे में, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ काम करना उसके बारे में है, उत्तम, बहुत उत्तम। रीथ की ऊर्जा, सेलिब्रेशन की ऊर्जा, साज सजावट की ऊर्जा, खुशियों की, प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की ऊर्जा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। गॉसिप लिप्स है यहाँ पर, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, जो बोलता है उसे बोलने दो, अपने मार्ग में अडिग रहो, अगर कोई साथ छोड़कर भी जाता है तो जाने दो, किसी ने कुछ बुरा बोला है अगर आपको, माफ कर दो, अपने मन को नहीं मैला करना, बस अपने मन को पवित्र रखना है, जो कोई करता है वो भर भी लेगा। फ्लावर्स, कली खिल रही है, ये सुंदर सा फूल, जैसे कोई नन्ही सी कली थी और वो पहली, उसका जो पहली बार खिलना है ना, ये फूल वैसा है, तो कोई खिल रहा है। यहाँ पर है नंबर 6, नंबर 6 हमें जानकारी देता है कमिटमेंट, फैमिली लाइफ, रिस्टोर होना चीज़ों का, विश्वास का, अगर टूटा हुआ था अगर आपका विश्वास, तो ये सब कुछ उसके बारे में, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना सीखिए चीज़ों को, फ्लेक्सिबल होना सीखिए चीज़ों के साथ। यहाँ पर है, आह कम ऑन यू गाइस, अनदर बटरफ्लाई, तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो की ऊर्जा, कुछ लोगों के जीवन में टावर मोमेंट आ सकता है, डेथ कार्ड की भी ऊर्जा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द उसी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में होता है। बड़ा हफ्ता है सेजिटेरियस, बहुत बड़ा हफ्ता है, जिसके लिए भी काम कर रहे हो, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उसी के तरफ मैं ये इशारा कर रही हूँ कि बहुत बड़ा हफ्ता रह सकता है। आपके लेटर्स भी अभी हम देखेंगे, थैंक यू वेरी मच। एस सपना शब्द सुना, एम एक्स, कुछ लोगों के लिए एक्स की ऊर्जा यहाँ पर, मंकी माइंड की ऊर्जा, डी डॉग, लॉयल्टी के बारे में, डिवाइन उसके बारे में भी जानकारी देता है, डब्ल्यू एन डी के आर एल सी बी डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू, आप में से कुछ लोग बहुत बड़ी मटेरियल वेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, इलाज, हीलिंग के बारे में, जो कि है हीलिंग यहाँ पर। अगेन ये भी बहुत रिपीट हुआ है मैसेज, लेकिन मैं दोबारा से दूंगी, विन विन सिचुएशन, मुझे दो बार अगर मैं डब्ल्यू देख लूँ, और खास करके क्योंकि रंग भी एक जैसे हैं, पीला सुनहरी, तो ये विन विन सिचुएशन के बारे में, कोई दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन दोनों में ही लाभ आपका है, ये उसके बारे में है। ठीक है, लेह लद्दाख सुना मुझे, लेह लद्दाख वो पीस के लिए, जब हम अपनी शहरी दुनिया से भागकर वो पहाड़ों में शरण लेते हैं ताकि मन की शांति हो जाए, तो मुझे लेह लद्दाख भी सुना, कुदरत के संपर्क में, बहुत सारे पहाड़, वो खुला आसमान, स्पेस स्पेस, यू नो, जिसमें हम एक्सपोज्ड हैं, किसको, कुदरत की तरफ, कुदरत, लोगों में टॉक्सिक ऊर्जा कह लीजिए वो नहीं है यहाँ पर, पोल्यूशन नहीं है, हम वहाँ कुदरत के सामने एक्सपोज्ड हैं, उसकी ऊर्जा में है, तो उसके बारे में है ये। यू गाइस, ये जिस तरीके से इस चार्म के बीच में बी है, तो कोई बी शब्द जिस जो भी आपको बी से याद आए, तो उसके साथ ही आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरीके से इसके बीच में था। तो यार ये है सेजिटेरियस धनु के लिए इंटरेस्टिंग वीक, आई मस्ट से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग में जो भी, अगर कोई ज्ञान की बात कुछ समझ में आया हो अगर आपको,
मैं कहती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट हो ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको कोई ज्ञान की बात कहीं से भी मिलती हो, मैं कहती हूँ उसे लूट लो। ज्ञान तो चारों तरफ पट रहा है, ये तो हमारे ऊपर है कि रीडिंग रेजोनेट होगी तभी मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी ऊर्जा को। ना भाई, नहीं भी करती है, अच्छी ऊर्जा है तो उसे क्लेम कर लो, उसको अपने जीवन में आने की इजाज़त दे दो। तो वैसे ही काम करना है, ठीक है। तो यह मैं इस रीडिंग को अब यहीं खत्म करूंगी और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।